छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ देने वाले सूप में प्रसाद के रूप में फल फूल और नारियल के अलावा चीनी का बना सांचा भी चढ़ाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, इसके बिना पूजा नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए जिला के हलवाई चीनी का सांचा बनाने में कई दिनों पहले से जुट गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, कम से कम 10-20 क्विंटल का ऑर्डर हम लोग को आता है। झारखंड जिला में गोविंदपुर, रजौली, वारसलिंगगंज और सारी जगह जाता है। मात्र ये इसका 60 रुपया होलसेल भाव खुला है और 80 रुपया खुदरा बिकता है। क्या नाम है? अनिल कुमार, कलाली रोड, गढ़पुर, नवादा। सांचा का निर्माण चीनी से बन होता है। चीनी को गाढ़ा किया जाता है, उसके बाद सांचा में ढालकर जमाया जाता है तो सांचा बनता है। इसमें काफ़ी मेहनत है और रात दिन मिलकर इस काम को किया जा रहा है हमारे एक कारीगर के द्वारा। नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार पिंटू हुआ। नवादा जिला के रजौली प्रखंड में सभी छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। रजौली अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष की उपस्थिति में नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर धनंजय नदी में 3 स्थानों पर छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। जेसीबी मशीन के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाकर घाटों का निर्माण कराया जा रहा है।